तो यहाँ पर हम आपको हेल्थ आईडी बनाना दिखा रहे हैं। हेल्थ आईडी वो है जिसमें आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स और जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं सब कुछ स्टोर रहेंगी। तो हम आपको यहाँ पर आपका हेल्थ आईडी कार्ड बनाना दिखा रहे हैं। आप मोबाइल से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात है। आप 2 मिनट के अंदर ही आप हेल्थ आईडी बना सकते हैं। और हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को बता रहे हैं कि आप आधार कार्ड के द्वारा भी बना सकते हैं और मोबाइल नंबर के द्वारा भी बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इस वाली वेबसाइट पे आपको आ जाना है। अगर नहीं दिख रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आप आ जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा है क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्रिएट योर हेल्थ आईडी पर क्लिक कर दिया आपने। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जनरेट बाया आधार, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आई डोंट हैव आधार। अगर आपके पास आधार नहीं है या फिर आप आधार से लिंक नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके लिए हम पहले से वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन हम आपको रिकमेंडेड करते हैं कि आप आधार से ही बनाइए, क्योंकि अगर आप आधार से नहीं बनाएंगे तो उसमें आपको फ़ोटो भी नहीं आएगी और आपका एक PHR नंबर भी नहीं आएगा और कई सारी चीज़ें हैं जो परेशानी में आपको बाद में डाल सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर जनरेट बाय आधार पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आधार से आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है तो आप यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए, और आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में सबमिट करना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आधार पर जो नंबर लगा है उस वाले नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और इसके बाद सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपका सारा डाटा आ जाएगा, फिर आपको एड्रेस वगैरह कुछ नहीं भरना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, अपना आधार नंबर डालते हैं। इसके बाद मैं आधार नंबर डाल दिया, फिर आई एग्री पर क्लिक करते हैं और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करते हैं, ये वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद में हम सबमिट पर करते हैं क्लिक। सबमिट पर हम जैसे क्लिक करते हैं, देखिए आधार OTP गया, मतलब आधार में जो नंबर लगा है उसी पे OTP जाएगा। तो अब ये OTP हमारे फ़ोन में आ गया है, ऐसे आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। अच्छा, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार से तो ये परेशानी में हो सकती है, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, केवल आधार का ही ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ मतलब आधार OTP का ही ऑप्शन आ रहा है, और अगर आपका लिंक नहीं है तो फिर आप दूसरा वाला मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा OTP आ गया, हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया, आप थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, बाकी देखना आप यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह भरने की समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है कि आप मोबाइल नंबर डालिए, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। इसके बाद में आप सबमिट कीजिए, फिर से एक OTP जाएगा। देखिए आपने आधार तो OTP कर ही लिया है, अब मोबाइल भी आपसे वेरीफाई करने को कह रहा है, आधार तो आपने वेरीफाई कर ही लिया है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पे भी एक SMS आएगा, मोबाइल को भी वेरीफाई करेगा। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया, और इस तरह से ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन होने वाली हैं। थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आधार का जो डाटा है, देखिए ये फैच हो गया। हम यही बात बोल रहे थे कि अगर आप आधार कार्ड के द्वारा बनाएंगे तो आपकी फ़ोटो वगैरह, आपका नाम, आपकी सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, यहाँ पर आपको PHR आईडी या हेल्थ आईडी दिख रहा होगा, जहाँ आपको ईमेल आईडी की तरह आपको बदल बदल के रखना है जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे आपका नाम और कुछ आपके अंक डाल दीजिए और उस तरह से आपकी ईमेल आईडी की तरह बनेगी, और नीचे आपको ईमेल आईडी ही डालनी है। अगर आप नीचे देखेंगे तो एड्रेस वगैरह सब कुछ मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको PHR आईडी बनानी है, जैसे कि आप अपना कुछ भी बनाइए ईमेल आईडी की तरह बनाइए, जैसे आपके ईमेल आईडी बनाते थे उस तरह की PHR आईडी बनानी है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे, नहीं हम अपनी PHR आईडी यहाँ पर बनाते हैं। इस तरह से हमने PHR आईडी बनाते हैं, ये क्या है आपके कार्ड पर प्रिंट होकर आएगी, ये आपकी PHR आईडी और हेल्थ आईडी होगी, हेल्थ नंबर अलग होगा अलग। और हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी डालते हैं, ये हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अब हम फाइनल सबमिट पर करेंगे क्लिक। सारी डिटेल्स आप तो देख लीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, और फाइनल सबमिट पर हम करते हैं फिर यहाँ से क्लिक। जैसे हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, आप एक बार और सारे डेटा को मैच कर लीजिए, आपका नाम वगैरह तो आधार से मैच ही हुआ था। और इसके बाद में ये देखिए हमने फाइनल सबमिट पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करते हो तो ये देखिए ये हमारी हेल्थ आईडी आ गई। इस तरह की हेल्थ आईडी बन गया, PHR आईडी लिखा है, नाम लिखा है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारा लिखा है। और इसके बाद में सारी चीज़ें देखने के बाद में हम यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से सेव कर लेते हैं। आप मोबाइल से बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्यूटर बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में इसमें और सारे भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एडिट करना, QR कोड, ये सारी चीज़ें आती हैं, आप अपने अनुसार देख सकते हैं, हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। ये माई प्रोफाइल है जो
माय बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने अनुसार चला चला के देखिए। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपको हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बनाना है। चलिए मिलेंगे काम के वीडियो में ऐसे मिल रिलेटिव।